जिस प्रकार से चौधरी बंसी लाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के टाइम पर छत्तीस बिरादरी एक होकर भिवानी के बारे में सोचती थी, दादरी के बारे में सोचती थी, उस तरीके से आप लोगों को सोचना है। मैंने भिवानी महेंद्रगढ़ को NCR में शामिल करवाया था, चौधरी बंसी लाल का सपना साकार किया था। ओए प्रधान जी क्या कर रहे यार, मैं नारे लगाऊंगा, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी श्रीमती किरण चौधरी पूरे दल बल के साथ भाई रविंद्र खरे जी अपनी टीम के साथ पर आ रहे हैं। सभी से गर्भवत प्रार्थना, ये पंडाल को खाली कर दे, कुर्सियों में बैठ जाए। भाई बहन श्रुति चौधरी हमारे बीच में आई, एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। दादरी और गांव के हाथ में जो PPP परिवार पहचान पत्र और शहरों में जो PID प्रॉपर्टी ID में जो खामियां हमारा एक एक व्यक्ति महसूस कर रहा है, उस कमी को देखते हुए से गांव का हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकारी अध्यक्ष सुरजेवाला जी, सुदीप सुरजेवाला जी और हमारे आदरणीय सुरेश गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। दोस्तों बहन जी बोल रही, बहन जी की आवाज सुनो, आप सब के सब श्रुति चौधरी की आवाज सुनो, आज एक ही आवाज है दुनिया के अंदर, श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी। उनके लिए जोर से लगाओ, वो इतने मजबूत आदमी हैं जो पूरे BJP की टक्कर ले रहे हैं। राहुल गांधी, मैं एक नारा लाऊंगा 36 बिरादरी के सम्मान में, तुमने कहना है श्रुति चौधरी मैदान में, समझ गए?
थोड़ा जी राय रखूंगा, चिंता ना करो। ये जब तक मैडम आओ है ना, जब तक तो मैं अपना तमाशा करूं, फिर तुम बता दूंगा। एक बार नारे लगा मैडम आओ, बैठे नहीं बुलवाइए, नारे जरूरी है, बच्चे लगे रहेंगे मेरे। हाँ बोलो भाई, 36 बरादरी के सम्मान में मैं बोलूंगा। महंगाई भ्रष्टाचार आसमान में, आसार के मकान में। महंगाई भ्रष्टाचार आसमान में, आसार के मकान में। महंगाई भ्रष्टाचार आसमान में, महंगाई भ्रष्टाचार। धीरे धीरे ये जो आगे साथी चल रहे हैं, एक ट्रक के पीछे आ जाएं। आप लोग भी जो चल रहे हैं वो भी पीछे आ जाएं। आप सारे लोग पीछे पीछे चले, आगे हजारों लोग जो चले गए हैं वो पीछे, हजारों हजारों लोगों के साथ चले जो ये हजारों लोग आगे हो गए हैं। नेताओं के भाषण सुनकर के और जज्बे के साथ घर जाएंगे। रोकना भाई रोकना, धीरे धीरे रोक दिया करो, एकदम ब्रेक में। हेलो, सॉरी।
भाई सब सो अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री बहन कुमारी शैलजा जी वो इस विरोध प्रदर्शन में जो शामिल हुई आपकी ताकत वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता जी रामकिशन गुजर वर्किंग प्रेसिडेंट जी एक्स एमएलए जितने की सुदीप सुरजेवाला जी प्रदीप जी के भाई सुभाष भद्रा जी कृष्ण मूर्ति भुट्टा साहब और सम्मानित मंच जितने भी लोग हैं मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं गदगद हो जाती हूँ जब देखती हूँ कि एक मजबूती के साथ हरियाणा की आवाज उठाती है। हमारा सौभाग्य है दीदी कि आज आप हमें आशीर्वाद देने भिवानी की पावन भूमि पर आए हो। ये वो भिवानी है जिसने हमेशा चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को बुलंदियों तक पहुंचाया। ये वो भिवानी है जो तमाम देश भर के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जाना जाता जाया करती थी और आज आप लोग इतनी भारी तादाद में आए हो इतनी गर्मी में मेरी महिलाएं माताएं बहनें जो यहाँ पे बैठी हुई हैं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़े बुजुर्ग भाइयों को नमस्कार। आज तमाम प्रदेश बीजेपी के करीब 10 साल के राज से त्रस्त है। कितनी भारी वोटों से आप याद करो कि हरियाणा ने बीजेपी को जिताया और देश भर में बीजेपी आई। लेकिन जमीन पर आज आम आदमी जितना बेसहाय है शायद ही कभी किसी सरकार के अंदर हुआ हो। शासन नाम की कोई चीज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ देश को विभाजित करते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं और यही इनकी राजनीति है। चाहे हमारे नौजवान भाई बहन हो, सीईटी अग्निवीर से भद्दा मजाक हमारे नौजवानों के साथ नहीं हो सकता। हमारे किसान कर्मचारी आज भी हम जो भाषण दे रहे हैं वो धरनों पे बैठे हुए हैं। पहचान पत्र फैमिली आईडी तो मानिए एक नया तरीका निकाला है आप लोगों को उलझाने का। आपका जीवन और भी जिसको कहते हैं उलझ गया है। एक व्यक्ति परिवार से केवल अपना झोला उठाए ऑफिस में घूमता रहता है और उसके तहत कितना भ्रष्टाचार पैदा
क्या हुआ है जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो हमने बना दिया, केवल और केवल जुमले की सरकार है ये। इस सरकार को दोनों ऊपर और नीचे, अब समय आ गया है क्रांति का, अब समय आ गया है भिवानी को, 36 बिरादरियों को इकट्ठा होना। और भिवानी दादरी जो जिले हैं, जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के टाइम पर 36 बिरादरी एक होकर भिवानी के बारे में सोचती थी, दादरी के बारे में सोचती थी, उस तरीके से आप लोगों को सोचना है। काम काम में कोई कमी नहीं आने देंगे। आज आपने देखा है कि क्या हाल हो रहा है भिवानी दादरी में, तमाम गंदगी का ढेर लगा हुआ है, पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सीवरेज और पीने के पानी की मिक्सिंग हो रही है। मेरे टाइम पर आप याद कीजिए, मैंने भिवानी महेंद्रगढ़ को NCR में शामिल करवाया था, चौधरी बंसीलाल का सपना साकार किया था, मगर इस BJP ने उस तमाम चीज पर पानी फेर दिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो सिर्फ सिर्फ हवा की बात रह गई, मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक खराब सी बिल्डिंग खड़ी हुई है। क्या यही है व्यवस्था भिवानी के लिए, दादरी के लिए? क्या यही है मान सम्मान भिवानी का? क्या यही है मान सम्मान मेरे बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, भाइयों का? क्या हम हरियाणा का हिस्सा नहीं है, देश का हिस्सा नहीं? अपना हक मांगिए, अपना हक मांगिए, खड़े होइए और आगे की तैयारी करिए। मैं आपका आने वाला समय मालिक की दया से बहुत काम करूंगी और जितने भी यहाँ पे भिवानी के काम है हम सब करेंगे। आज मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, रेणु बालाजी MLA जी का, माननीय शमशेर भोगे जी MLA साहब,